हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। यूट्राइन ब्लीडिंग एक ऐसी बीमारी में है जिससे अक्सर फीमेल्स या महिलाएं काफ़ी परेशान रहती हैं। इस वीडियो में हम इनके कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के कारण जो जब पीरियड्स या तो चालू होते हैं या फिर वो बंद होते हैं, मतलब मेनोपॉज के कारण अक्सर देखने को मिलते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन यूट्रस, मतलब यूट्रस में कुछ गांठें जैसे कि फाइब्रॉइड्स, जैसे कि पॉलिप्स या फिर पूरा यूट्रस बढ़ गया है, जिसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण है कैंसर, यूट्राइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये कारण से ब्लीडिंग हो सकती है। फोर्थ कारण है इन्फेक्शन। यूट्रस या सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन जैसे ट्राइकोमोनस वजाइनलिसिस या कैंडिडल इन्फेक्शन के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग के सिम्टम्स हैं तो आपके डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। जनरली वो कुछ ब्लड टेस्ट, कलर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या फिर पैप स्मेयर का टेस्ट करेंगे। अगर कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं तो उसके लिए कुछ हार्मोनल टैबलेट्स जैसे प्रोजेस्ट्रॉन या ईस्ट्रोजन टैबलेट्स दिए जाते हैं। अगर कैंसर है जैसे यूट्राइन या सर्विक्स तो उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि हिस्टेक्टमी या कीमोथेरेपी ली जाती है। अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर यूट्रस में कुछ गांठ है जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, उसको या तो हिस्टेक्टमी या फिर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम जाके वो नसों को बंद करते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे फोन कीजिए। धन्यवाद।